सकते हैं आज की खास खबर। दुनिया में कहीं भी सेल लगी हो और भीड़ न हो, ऐसा कभी हो सकता है? शायद नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ है तेलंगाना में भी। यहाँ सिद्धिपेट में स्थित CMR शॉपिंग मॉल में भी कुछ यही स्थिति दिखी। जैसे ही खबर फैली कि मॉल में 10 रुपए की एक साड़ी मिल रही है, वैसे ही भीड़ बढ़ती गई। मॉल में भारी संख्या में साड़ी खरीदने आए लोगों के कारण भगदड़ मच गई। यहाँ लड़कियाँ और महिलाएं 10 रुपए में साड़ी मिलने की खबर सुनकर आई थी। पुलिस ने ये जानकारी दी है। भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए। एक महिला का कहना है कि भीड़ में उसकी 5 तोले की सोने की चेन और 6,000 रुपए खो गए। महिला का क्रेडिट कार्ड भी खो गया है। चोरी होने के बाद स्थानीय पुलिस CMR शॉपिंग मॉल पहुंची। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सेल के पहले ही दिन 400 से ज्यादा महिलाएं स्टोर में आ गई। 4 महिलाएं इस दौरान घायल हो गई। वहीं पुलिस ने मॉल के मैनेजर के खिलाफ लापरवाही करने के चलते मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कितनी भारी संख्या में महिलाएं शटर के खुलने के बाद शोरूम में आती है। पुलिस का कहना है कि स्टोर के अंदर ज्यादा संख्या में लोगों के आने की जगह नहीं है। मॉल के कर्मियों ने भीड़ को कम करने की कोई कोशिश नहीं की। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।